फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की एस्थर को दिखाया जाता है जो एक बॉक्स के अंदर से मधुमक्खी के छत्ते को निकालती है और उसमें से शहद निकालकर एक जार में डाल देती है। दरअसल एस्थर को मधुमक्खियों से बहुत प्यार था और ये मक्खियाँ भी उसी की पाली हुई थी। अब अगले दिन वो स्कूल जाती है जहाँ वो मक्खियों पर एक प्रेजेंटेशन देती है जिसमें वो सभी को बताती है कि मधुमक्खियाँ तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। पहले तो ड्रोन जो मेल होते हैं वो रानी मधुमक्खियों के साथ रहते हैं और कभी छत्ते नहीं छोड़ते। उनका काम है मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाना और इसके बाद उन्हें मार दिया जाता है। दूसरे होते हैं वर्कर्स जो छत्ते बनाने में मदद करते हैं और तीसरी रानी मधुमक्खी जो बच्चों को जन्म देती है। पर जब नई रानी का जन्म होता है तो वो पिछली रानी को मार देती है। पर तभी प्रोजेक्टर में एक नेकेड मेल की फोटो शो हो जाती है जिस पर पूरी क्लास अब हंसने लगते हैं और वो बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को जब एस्थर अपने परिवार वालों के साथ खाना खा रही होती है तो उसकी सौतेली माँ अपनी प्लेट में एस्थर का हिस्सा भी डाल लेती है लेकिन उसे नहीं देती है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एस्थर की माँ की मृत्यु हो गई है और ये उसकी सौतेली माँ है और उसकी बहन ट्रेमेन भी उसकी स्टेप सिस्टर है जो दोनों एस्थर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एस्थर और ट्रेमेन से दावा करती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ देखा था जहाँ तुम उस प्रेजेंटेशन फोटो में नेकेड मेल की फोटो डालने की बात कर रही थी लेकिन ट्रेमेन इस इल्जाम से साफ मना कर देती है। अब अगले दिन एस्थर के टीचर को दिखाया जाता है जो खून में सना था जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी और वहीं एक मधुमक्खी भी थी। इसके बाद अब एस्थर स्कूल कर एक स्केच बनाने लगती है जिसके बाद वहाँ एक सब्स्टिट्यूट टीचर ट्रेसा आती है जो अपना स्वागत गुड मॉर्निंग से करती है लेकिन एस्थर का ध्यान अपने स्केच में होता है जिस पर ट्रेमिन अब कहती है कि इसे सजा मिलनी चाहिए और फिर वो एक पेपर को भी उठाकर एस्थर की बेंच पर फेंक देती है लेकिन ट्रेसा उसे पकड़ लेती है और ट्रेमिन को डांटते हुए कहती है कि तुम अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो जिस पर सारी क्लास वाले अब उस पर हंसने लगते हैं और वो एस्थर को कुछ नहीं कहती। अब छुट्टी के समय ट्रेसा अपनी कार से एस्थर को घर छोड़ने का ऑफर देती है कि तभी कार के सामने ट्रेमिन और उसके बाकी के दोस्त आ जाते हैं लेकिन ट्रेसा उनके सामने हॉर्न बजा देती है जिस पर एक फ्रेंड एना ट्रेसा को मिडल फिंगर दिखा देती है जिसके बाद एस्थर भी कार में बैठ जाती है और ट्रेसा उसे घर के पास छोड़ देती है। लेकिन एस्थर को घर जाने का मन नहीं था क्योंकि उसके पिता भी कुछ दिनों के लिए घर पर नहीं है इसलिए वो दोनों अब बाहर घूमने आ जाते हैं जहां अब दोनों में देखते ही देखते दोस्ती हो जाती है। ट्रेसा उसे कहती है कि मुझे एक जरूरी काम करना है क्या तुम मेरी मदद करोगी जिस पर वो मान जाती है और अब वो दोनों सुपरमार्केट जाकर सारे अंडे खरीद लेते हैं और एना के घर के पास आते हैं और उसके घर पर अंडे मारना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही गुस्से में एस्थर अंडा मारती है खिड़की पर लगी कांच टूट जाती है जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वहां से तुरंत भागने लगते हैं और अब कांच टूटने की आवाज से एना बाहर आ जाती है जो उन्हें जाते हुए देख लेती है। अगले दिन फिर एना ट्रेमिन और बाकी सभी से कहती है कि एस्थर की हिम्मत बढ़ती जा रही है इसलिए हमें उसे सबक सिखाना होगा और सभी फिर अपना अपना तरीका बताते हैं कि आखिर वो कैसे एस्थर से बदला ले सके। इसलिए अब वो रात को सभी अपने चेहरे पर कपड़ा डालकर एस्थर के घर के गार्डन में आते हैं जहाँ उसने अपनी पालतू मधुमक्खियों को रखा था पर वो निर्दय लोग सभी को तोड़ फोड़ देते हैं जिसके बाद वो ट्रेमिन को भी ऐसा करने को कहते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और उसे वॉमिट हो जाती है जिसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं और तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर एस्थर गार्डन में आ जाती है जहां सब कुछ तहस नहस देख वो अब टूट जाती है। तभी फिर वहां ट्रेसा अपनी कार लेकर आती है और एस्थर उसकी कार में बैठकर उसके साथ चली जाती है पर ये भी ट्रेमेन देख लेती है। अगले दिन फिर जब एस्थर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को ट्रेसा के घर में पाती है जहाँ उसके सामने ट्रेसा भी बैठी थी और तभी वहाँ उसका बेटा हेनरी आ जाता है जिस पर ट्रेसा उसका परिचय करवाती है। इसके बाद अब ट्रेसा एस्थर को नया लुक देती है और उसके चश्मे भी उतरवा देती है और फिर अगले सीन में ट्रेसा एस्थर के लिए नई मधुमक्खियों का सेट लाती है जैसा एग्जैक्टली ट्रेमेन और उसके दोस्तों ने तोड़ दिया था जो देखकर एस्थर एकदम खुश हो जाती है। अब दिन ढलने पर एस्थर और हेनरी दोनों बात करते हुए अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं जहां वो धीरे धीरे नजदीक आने लगे थे। वहीं अब अगले दिन मधुमक्खियों ने छत्ते बनाना शुरू कर दिया था जिस पर ट्रेसा और एस्थर एकदम खुश हो जाते हैं। ट्रेसा अब कहती है कि मैंने तुम्हें और हेनरी को बातें करते हुए देखा है वो बहुत ही अच्छा लड़का है। पर एस्थर कहती है कि मैंने अभी इन सब के बारे में नहीं सोचा
जिसके बाद सभी घर के अंदर आ जाते हैं, जहां घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, जिस पर फिर हेनरी कहता है कि उन्होंने ऐसा फिर से किया। जिसके बाद ट्रेसा गन लेकर बाहर जाती है और किसी को शूट कर देती है। अगले सीन में फिर हम हेनरी को देखते हैं जिसकी हालत खराब लग रही थी, और तभी वहाँ एस्टर आ जाती है जो उसे कहती कि तुम्हें बुखार है इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहता है कि किसी को कुछ मत बताना और यहाँ से चली जाओ। पर एस्टर वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती, वो जिद पे अड़ जाती कि आज ही हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जिसके बाद वो भी अंत में मान जाता है। अब अगले सीन में जब सभी खाना खा रहे होते हैं, कीथ अभी हेनरी की हालत अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो खाना भी नहीं खा पा रहा था, तभी फिर ट्रेसा को उसके हाथ पर कुछ निशान दिखाई देता है, और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़कर देखती है तो उसका हाथ एकदम घिनौना हो गया था, मानो आ मधुमक्खियों का छत्ता बन रहा हो। ट्रेसा अब उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने फिर से ऐसी गलती कैसे की, इसीलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते, और वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है। अब ये सब देखकर एस्टर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसके बाद फिर रात को जब एस्टर दरवाजे के पास होती है कि तभी वहाँ हेनरी आ जाता है जिसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी, और अब वो ही निशान अब उसके पूरे शरीर पर फैलता जा रहा था। वो एस्टर से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम अभी इस घर से दूर चली जाओगी और फिर से कभी ट्रेसा से नहीं मिलना, लेकिन एस्टर कहती कि ट्रेसा परेशान है और इसी के कारण उन्होंने तुम्हें घर से बाहर कर दिया। पर हेनरी कहता है कि जैसी वो दिखाई देती है वो वैसी नहीं है, और यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे भी भूल जाना क्योंकि मेरा अस्तित्व ही नहीं बचेगा, लेकिन एस्टर उसे ऐसा कहने से मना कर देती है, जिसके बाद अब दोनों इमोशन में बहकर दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन जब एस्टर की आंख खुलती है तो हेनरी वहाँ नहीं था और पूरा बेड खून में सना था। एस्टर अब सारे खून को कपड़े से साफ करती है और बेडशीट को बेड के नीचे डाल देती है, और तभी वहाँ ट्रेसा आ जाती है। एस्टर अब उससे हेनरी के बारे में पूछती है, पर वो इस बात का जवाब ना देकर कहती है कि मधुमक्खियों के छत्ते में कुछ गड़बड़ है, हम इसका शहद नहीं बना सकते, जो सुनकर एस्टर परेशान हो जाती है। एस्टर अब वहाँ से खाने के टेबल पर आती है जहाँ ट्रेसा का दूसरा बेटा डेविड भी होता है। ट्रेसा एस्टर को डेविड से मिलवाती है जो एक सिंगर है, पर डेविड एस्टर को गलत नजरों से देखता है जिससे एस्टर को अजीब लगता है, इसलिए वो कहती है कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है, यहाँ हेनरी गायब हो गया है जिसकी किसी को परवाह नहीं है, और अब ये आदमी घर में आ गया, मुझे इस घर में कुछ गड़बड़ लग रही है इसलिए सुबह होते ही मैं इस घर से चली जाऊंगी। ट्रेसा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है, पर फिर डेविड भी वहाँ आ जाता है जिस पर एस्टर दरवाजा बंद करके वहाँ अलमारी रख देती है, जिसके बाद वो अपने बेड पर आ जाती है और थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है। पर जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वहाँ एक फीमेल नेम स्टेशिया आ जाती है जिसकी भी हालत हेनरी जैसी थी, ऊपर से वो उस पर हमला कर देती है और अब दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन फिर तभी वहाँ ट्रेसा गन लेकर पहुंच जाती है और गन से मारकर स्टेशिया को बेहोश कर देती है। अब अगले सीन में सभी ने स्टेशिया को बंदी बना लिया था जो अब प्रेग्नेंट भी थी। डेविड फिर कहता है कि हमें इसे मार देना चाहिए, और ट्रेसा उसे मारने उस पर गन तान देती है, पर फिर बीच में एस्टर आकर कहती है कि हमें इसे बचाना चाहिए, ना जाने ये कौन है, शायद इसके परिवार वाले इसे ढूंढ रहे होंगे, जिस पर अब ट्रेसा गन नीचे रख लेती है। अब कुछ समय बाद एस्टर स्टेशिया के पास आकर उसकी घाव को साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बहुत ही ज्यादा तड़पने और चिल्लाने लगती है और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून भी बहने लगता है, जिसकी कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है। अब वहाँ ट्रेसा और डेविड भी पहुंच जाते हैं जो एस्टर से कहते हैं कि हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए वरना ये बेचारी मर जाएगी, पर ट्रेसा ऐसा करने से साफ मना करते हुए कहती है कि ये मर जाए तो ही अच्छा होगा, जो क्रूरता से कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को ट्रेसा जो छत्ते खराब हो गए थे उन्हें जला देती है। वहीं घर में एस्टर स्टेशिया के पास आती है जो अब होश में आ गई थी। एस्टर अब कहती कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, और फिर वो उसे आजाद करके घर के बाहर ले जाने लगती है, पर तभी ट्रेसा उन्हें देख लेती है और चाकू लेकर उनके पीछे पड़ जाती है। उसे अब कैसे तो बचकर वो पीछे के रास्ते से घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन कोहरे के कारण उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं देता, और अब सामने से ट्रेसा आकर स्टेशिया के पेट में चाकू मार देती है।
होती है, जिससे उस बेचारे की वहीं मृत्यु हो जाती है। अब ये सब देखकर एस्टर को यकीन हो जाता है कि ट्रेसा और डेविड में कुछ तो गड़बड़ है, और अब ट्रेसा उसे भी नॉकआउट करके उसे बेहोश कर देती है। अब कुछ देर बाद जब एस्टर को होश आता है तो वो अपने आप को बंदी बना पाती है, जहां अचानक वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसे देख ट्रेसा एकदम गुस्सा हो जाती है और उस पर बरस पड़ती कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं कुछ समय बाद तुम्हें भी मार दूंगी। इसके बाद फिर अगले दिन एस्टर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो एक बच्चे को जन्म भी देती है, लेकिन वो बच्चा नहीं बल्कि मधुमक्खियों का छत्ता था, जिसके बाद वहाँ ट्रेसा आ जाती है जो उस छत्ते को अपने साथ ले जाती है। अब ट्रेसा एस्टर को नहलाकर एक कमरे में लाती है जहाँ डेविड भी होता है, जो उसे कहता है कि मेरा डीएनए हेनरी के डीएनए से अच्छा है, इसलिए तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए था, और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन अब मानो एस्टर में बहुत ज्यादा ताकत आ गई हो, इसलिए वो उसके मुंह में हाथ डालकर आसानी से उसकी पूरी जीभ ही निकाल लेती है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। पर तब तक वहाँ ट्रेसा भी पहुंच जाती है, जो उसे कहती कि तुमने क्या किया, मैं तुम्हें अगली रानी बनाना चाहती थी। यानी कि ट्रेसा मधुमक्खियों की रानी थी और उसके बाद एस्टर नई रानी बनती। ट्रेसा अब कहती कि मैं कई साल से तुम्हें ढूंढ रही थी, पर तुमने सब खराब कर दिया, ये सब कुछ तुम्हारा ही होता, लेकिन तुमने मेरे बेटे को भी मार दिया, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो उस पर हमला करने लगती है, जहां वो खुद भी एक मधुमक्खी बन गई थी। लेकिन एस्टर उसे कैसे तो बचकर घर के बाहर आ जाती है और भागते वो एक झोपड़ी तक पहुंच जाती है, जहां और भी कई लोग थे जो मधुमक्खियों जैसे थे, यानी कि ये वर्कर्स थे जो छत्ते बनाने का काम करते थे, और वहीं हेनरी और डेविड ड्रोन थे जो मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाने का काम करते थे, और आखिर में ट्रेसा एक रानी है जिसके बाद अगली रानी एस्टर बनती। पर तब तक वहाँ ट्रेसा पहुंच जाती है और अब दोनों में लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है, पर अंत में ट्रेसा एस्टर को मारकर धाराशाही कर देती है। लेकिन अब तक एस्टर के पर निकल आए थे और वो भी एक मधुमक्खी जैसी बन गई थी, इसलिए अब उसे एक ही पंच मारकर दूर फेंक देती है और चाकू से हमला करके उसकी जान ले लेती है, जिसके बाद सभी वर्कर एस्टर के सामने झुक जाते हैं। पर सीन से एस्टर के लिए नया है, वो बेचारी रोने लगती है क्योंकि अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी जो है एक रानी मधुमक्खी बनके जीने का। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।